हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विनेश किचन। आज मैं आपके साथ बेल के मुरब्बे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बेल और बेल से बनी हुई रेसिपी हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती हैं। तो चलिए बेल का मुरब्बा बनाते हैं। बेल का मुरब्बा बनाने के लिए यहाँ मैंने 2 पके हुए बेल लिए हैं, 2 कटोरी चीनी है और 4 से 5 इलायची हैं। बेल को किसी भारी चीज की सहायता से तोड़ लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने बेल को बड़ी आसानी से तोड़ लिया है। अब हम दूसरे बेल को भी इसी प्रकार तोड़ लेंगे। अब चाकू या चम्मच की सहायता से बेल से सारा गूदा निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ मैंने सारा गूदा निकाल लिया है और इसमें से बीज भी निकाल दिए हैं। दोस्तों इसके बीज बहुत ही ज़्यादा कड़वे होते हैं, इसलिए हमें सभी बीज निकाल देने हैं। अब इसे मिक्सर जार में ट्रांसफ़र करेंगे और बिना पानी के पीस लेंगे। तो देखिए यहाँ कितना फाइन पेस्ट बनकर तैयार हुआ है और अब हम इस पेस्ट को छान लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए यहाँ मैंने एक बर्तन के ऊपर बड़ी छलनी रख ली है और चम्मच की सहायता से सारे पेस्ट को छान लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ हमें पानी का यूज बिल्कुल नहीं करना है, आप इसी तरह चम्मच से दबाते हुए छान लें। देखिए यहाँ मैंने सारे पेस्ट को अच्छी तरह छान लिया है। ये करीब 250 से 300 ग्राम पेस्ट है। तो चलिए अब हम इसके लिए चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए कढ़ाई में 2 कटोरी चीनी डालेंगे जो वजन में 300 ग्राम है। चीनी में 1/2 कप पानी डालकर चलाते हुए मिक्स करेंगे। तो देखिए यहाँ हमारी चीनी मिक्स हो गई है और हमारी चाशनी बनना शुरू हो गया है। इस रेसिपी के लिए हमें 2 से 3 तार की चाशनी चाहिए या फिर जब तक गोली न बनने लग जाए। यहाँ चाशनी को बनते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं, तो हम चाशनी को चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ गोली नहीं बन रही है, यानी कि हमें इसे और पकाना है। यहाँ चाशनी को पकते हुए थोड़ा और टाइम हो गया है, तो हम इसे दोबारा चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ चाशनी को पानी में डालते ही गोली बनने लगी है, यानी कि हमारी चाशनी परफेक्ट है। यहाँ गैस के फ्लेम को स्लो कर देंगे और चाशनी में छने हुए पेस्ट को डालकर 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। हमें यहाँ पेस्ट को चलाते हुए पकाना है जिससे कढ़ाई के तले में चिपक ना जाए। अब इसमें इलायची पाउडर डालकर मिलाएंगे। यहाँ पेस्ट को डालकर पकाते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं और इसका टेक्सचर बिल्कुल जैम की तरह है और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बना हुआ है। अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। अब इसे हम निकाल लेंगे और ठंडा होने पर किसी कांच के डब्बे में भर के रख देंगे, जिसे हम साल भर के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।